नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज़ पर। अब खबरें विस्तार से। इटारसी में सीएम की जनसभा के दौरान पुलिस और विरोध जताते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें दो कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि सीएम की जनसभा में कुछ दूरी पर कांग्रेस कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ गए। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता आशुतोष सराठे जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष जी, बताएं क्या है पूरा मामला। सर, जन आशीर्वाद रैली जब इटारसी पहुंची तो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस बल ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं पुलिस के आपस में इनकी हाथापाई हुई है, जिसमें दो कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जी, उनको मालूम नहीं था ये कांग्रेस कार्यकर्ता है? इसकी जानकारी उनको पूर्व में नहीं लगी थी, पुलिस जो कर्मी ड्यूटी पे थे, जिसके बीच में जन आशीर्वाद रैली तक ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। कांग्रेस के आला कमानों का कुछ कहना है इसके ऊपर? सूचना तंत्र फेल होने। जी आशुतोष जी, कांग्रेस के आला कमानों का कुछ कहना है इस झड़प के ऊपर? अभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई है तो उसको लेके एक आगे की रूपरेखा तय की जा रही है। जी धन्यवाद आशुतोष जी, तमाम सारी जानकारी के लिए। बैरागढ़ में एक और बाबा पर उसकी ही बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बैरागढ़ में सुख सागर उदासीन आश्रम के नाम से संचालित आश्रम के बाबा रामदास उदासीन पर उसकी ही बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहू का आरोप है कि बाबा रामदास उदासीन न सिर्फ मुझ पर गलत नीयत रखता था कि बल्कि उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। पीड़ित महिला ने आश्रम पर भी गलत गतिविधियां चलाने के आरोप लगाए हैं। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आश्रम की महिलाएं देव व्यापार में संलिप्त हैं। देखते हैं दरबार में सारे गंदे काम होते हैं, गंदी नीयत से। कौन सा दरबार है ये? यूसुफ सागर दासी आश्रम। मैं आपको नाम भी दूंगी, चलो औरतें पढ़िए ना, यहाँ सारा दिन वही करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में लगाई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ऑर्डिनरी पीपल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स की टैगलाइन पर आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और आईटी के क्षेत्र में बेंगलुरु में संभावनाएं सिमटती जा रही हैं, अब नए डेस्टिनेशन की तलाश हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये मौका हम सब मध्य प्रदेश को दें। इस कॉन्क्लेव में कंपनियों के फाउंडर के साथ साथ इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर युवा आदमियों को एक मंच दिया गया है जहां वे अपने प्रोडक्ट और विचार पर बात रखेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? जी अनुराग, मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन है स्मार्ट सिटी भोपाल में, जी नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर में किया गया, जिसमें जिसका बेसिकली आधार रहा कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, उद्यमी है, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस यंग एंटरप्रेनरशिप को शेयर करें। जो आज की युवा है, युवा जो नए आइडियाज रखते हैं अपने बिजनेस खोलने का, उनके साथ अपने अपने जो विचार है वो साझा करें। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसमें नए इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे और जो नए युवा हैं, जिन जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए 10 लाख लोन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अगर 30 लाख तक के खरीदारी बिना टेंडर के युवाओं द्वारा जो स्टार्टअप में भाग लेते हैं उनके द्वारा किया जाएगा, सरकार द्वारा किया जाएगा। जी स्मार्ट सिटी के ऑफिस में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, ऑर्डिनरी पीपल का भी प्रोग्राम रखा गया, क्या? जी अनुराग, मैं बताना चाहूंगा बेसिकली इस आयोजन कॉन्क्लेव की थीम ही रखी गई थी ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स। जो थीम है, थीम के आधार पर ये किया गया कि जो सामान्य आदमी है उस और जो सामान्य युवा है उसकी जो ड्रीम्स है वो बड़े हैं, उसी ड्रीम के आधार पर वो अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, जिसके लिए उन्होंने 100 करोड़ लोन का भी प्रावधान किया है। धन्यवाद सत्यम शर्मा आपका इन तमाम सारी जानकारी के लिए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सुकमा की। सुकमा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के समक्ष 5 लाख के इनामी माचकोट एरिया के एलजीएस कमांडर नक्सली कुंजाम कोसा ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि अन्य आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। इनके अलावा 11 और नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। सरकार की
समर्पण नीति के प्रचार के अच्छे नतीजे सामने लगातार आने से पुलिस फोर्स काफी उत्साहित नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए दखल न्यूज के साथ।